हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में रॉयल साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को चैप्टर 7 से चैप्टर 11 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और यह जितने भी क्वेश्चन हैं अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय रहने वाले हैं, या एक या दो नंबर में आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो में सभी प्यारे साथी एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और आप इन क्वेश्चंस को अपने मॉडल में टिक कर लेना और बाद में इनको अच्छे से पढ़ लेना। यदि आप चाहते हो कि इन क्वेश्चंस के लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट हम वीडियो लेकर आएँ, तो आप हमें कमेंट करना प्यारा सा। तो यदि इससे पहले जो भी साथी हमसे चैनल पर नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बताया था। यदि वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप आज की इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, देख लीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 7 से, सहज कोष्टक में इसको जन्मजात और प्रतिरक्षा में अंतर बताइए, यानी सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा में अंतर बताइए, इसे क्या कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए, ये आपसे पूछा जाएगा, आप इन्हें टिक कर लेना, एक नोटबुक पर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के पूरे नाम लिखिए, तो आपसे वो पूरे नाम लिखने को भी कह सकते हैं। तो जैसे MALT, इसको कहते हैं साथियों म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, मतलब हिंदी में इसे कहेंगे श्लेष्म संबंध लसीखाब ऊतक। नेक्स्ट देखते हैं फुल फॉर्म, यानी फुल नेम आपसे पूछ सकता है, इनका फुल फॉर्म लिखिए। तो CMI को क्या कहते हैं, C फॉर सेल, M फॉर मीडिएटेड और I फॉर इम्यूनिटी। क्लियर। तो CMI को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। एड्स का फुल नेम क्या है, तो एड्स को कहते हैं A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो और D फॉर डिफिशियंसी और S फॉर सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं एड्स को। नेक्स्ट है हमारा फुल नेम बताना है आपको, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, NACO, नेको। नेको को कहते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको कहा जाता है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल नेम आपसे एग्जाम में पूछने को कह सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फुल नेम देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट फुल नेम है HIV, इसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, H फॉर ह्यूमन और I फॉर इम्यूनो और डिफिशियंसी वायरस, यानी जो HIV का वायरस होता है साथी, वो क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी एंटीबॉडी को कमजोर बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, प्रतिरक्षी पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, यानी एंटीजन पर आपको यह टिप्पणी लिखने को कह रहा है, तो इसको भी अच्छे से आप याद कर लेना। यदि आप चाहते हो कि हम इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वीडियो लेकर आएँ, तो आप हमें एक प्यारा सा कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है, ड्रग्स क्या है तथा स्मैग और चरस कहाँ से प्राप्त होते हैं और मानव जीवन पर इनका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर ऐसे करके पूछा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा और आपको लॉन्ग आंसर में इसका जवाब देना होगा। ये 5 नंबर में पूछा जाएगा इस प्रकार, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 नंबर में ड्रग्स क्या है तथा स्मैग और चरस कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एंटीजन तथा एंटीबॉडीज में अंतर बताइए, ठीक है, यह आप अच्छे से टिक कर लेना, देख लेना, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में अमीबा परजीवी कहाँ पाए जाते हैं, मलेरिया रोग, इसको अच्छे से पढ़ लेना, और मलेरिया रोग फैलाने वाले उस मच्छर की प्रजातियों को भी आप देख लेना। तो आपके 70 में से 70 नंबर कहीं नहीं गए हैं। और साथ ही में आपके लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए वीडियो लेकर आऊँगा, तब उसमें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट बड़े क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ लेना। अब चैप्टर 8 को देखते हैं, इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन।
चैप्टर 8 का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है, यानी मानव कल्याण, मानव के कल्याण के लिए सूक्ष्म जीव कितने उपयोगी हैं, तो इनको आपको अच्छे से देख लेना है। इन तो पहला क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, तो राइजोबियम क्या है, जैव उर्वरक, ठीक है, आप सभी जानते हो बायो फर्टिलाइजर, खेती किसानी कृषि में काम आते हैं, नाइट्रोजन स्त्रीकरण, ये जो जीवाणु है नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं, ठीक है, नाइट्रिकारी जीवाणु, इनको अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हो, यानी एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हो, एंटीबायोटिक्स के उपयोग, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हो। नेक्स्ट, प्लाज्मिड क्या है, इसके उपयोग क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्लाज्मिड वाला इसको आप देख लेना, इम्पोर्टेंट तो सभी हैं लेकिन यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, यानी बायोटेक्नोलॉजी और उसके उपयोग क्या है मानव जीवन में, तो इनको देखते हैं, तो आपको क्या याद करना, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये देख लेने क्या इनके उपयोग है, और क्या देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 13 बायोपरेसी, हाँ ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्यारे साथियों जब मैंने बोर्ड एग्जाम की 12th क्लास की बायो की कॉपी चेक की थी 2023 में, तो यह प्रश्न आया था, तो इस बार भी इसके आने के चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसजेनिक जंतु, ट्रांसजेनिक मतलब जिनके जीन ट्रांसफर से उन्हें तैयार की जाती है उनकी प्रजातियां, ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जंतु, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लेना साथियों। तो यदि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे आगे का क्वेश्चन है इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 15, बीटी कॉटन यानी बीटी कपास को देख लेना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जैव प्रौद्योगिकी में कृषि क्षेत्र के क्षेत्र में उपयोग बताइए, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में उपयोग पूछ रहा है ये, और बायो रिएक्टर क्या होते हैं, ठीक है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी ये आपको देख लेने। नेक्स्ट, जैव तकनीक पर मानव जीवन का क्या महत्व है, यानी जैव तकनीक पर मानव जीवन का क्या महत्व है, यानी जैव तकनीक का मानव जीवन पर क्या महत्व है, ठीक है, इसको देख लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर टिप्पणी, क्वेश्चन नंबर 20, देखिए कभी कभी मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा हूँ तो आप अच्छे से देखते जाना। निम्नलिखित पर टिप्पणी, इनमें फर्स्ट आपको इंटरफेरॉन इंसुलिन हार्मोन्स पूछ सकता है, ठीक है, तो इंसुलिन क्या होता है, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है व्यक्ति को, डायबिटीज। नेक्स्ट देखते हैं, जीन थेरेपी, क्वेश्चन नंबर 21। अब चैप्टर 10 से आने वाले सवालों को देखते हैं, कौन कौन से सवाल आने की सर्वाधिक नहीं बहुत बहुत ज़्यादा सर्वाधिक संभावना है, तो इनको देखते हैं, जीव और समष्टियाँ, मृदा की उर्वरता में साइनोबैक्टीरिया की भूमिका, आर्किड पौधा क्या है, ठीक है, सहजीविता, कीट स्टोन जातियाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से टिक कर लेना और पढ़ लेना, अभी आपके पास काफ़ी समय है, और जो लॉन्ग आंसर वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उनके लिए मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा, एक कमेंट कर देना। यदि आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हो कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चन के लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता एवं संरक्षण, चैप्टर 11 और यह अंतिम चैप्टर है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों में। तो देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन, विलुप्त प्रजाति से आप क्या समझते हो, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को अच्छे से समझ लेना आप, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण को समझ लेना, और भारतीय राष्ट्रीय वन परियोजना इनको भी आप अच्छे से देख लेना, और साथ ही भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को भी देख लेना कब पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, संकटग्रस्त जातियां इनको भी आप देख लेना, और एक और मेरी तरफ से, रेड डाटा बुक किस लिए उपयोग होती है, आप एक कमेंट में उसका आंसर देना। तो आज के इस वीडियो में आप सभी साथियों को यह मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस मैंने बताए, कैसे लगे एक प्यारा सा कमेंट करना, ठीक है। यदि जो भी साथी हमसे चैनल पर नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और घंटी वाले बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको इन फ्यूचर हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।
फिर मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।